तो गाइस रेडी स्टडी इंडिया को जाओ। ये देख सकते हो फाइनली हम यहाँ पे पहुंच गए दूसरे तीसरे दिन। So, hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक पूरा प्रॉपर ब्लॉग डालेंगे, क्योंकि वैसे तो मैं ऐसे ही चलते फिरते ब्लॉग्स बना देता था, लेकिन आज हम पूरा प्रॉपर ब्लॉग डालेंगे। और अभी हम जिस लोकेशन पे हैं वो है हमीरपुर में, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस रूम आपने देख लिया होगा, अभी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। जो तो बाहर कुछ इस तरह से है, सामने देख सकते हो जंगल ही जंगल, और नीचे देख सकते हो अलग में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हैं, अमेजिंग। और बाहर लगाई हैं चेयर्स देख सकते हो, आराम से चाय वगैरह पीने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा शांति है इधर। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर बैठेंगे और थोड़ी देर के बाद जाएँगे घूमने के लिए, तो ले कर चलेंगे आपको भी। अभी शाम के बजे हैं 6, तो अभी भूख लगी है, तो कुछ खाने के लिए जाएंगे मार्केट में, बाकी आपको भी घुमाएंगे, तो चलते हैं। तो ये है अनु कॉलेज वाला रास्ता। गाइस जो हमने खाना था वो हमने खा लिया, आपको मैं खिला नहीं सकता था तो मैंने आपको दिखाया भी नहीं। तो अभी चलते हैं अनु ट्रैक पे, ग्राउंड है बड़ा सा और उसके बीच में है ट्रैक, तो वो दिखाता हूँ मैं आपको। और वहाँ पे चलते हैं, पैदल पैदल ही जाएंगे घूमते फिरते, क्योंकि यहाँ पे चलान का खतरा बना रहता है और हेलमेट लगाऊंगा तो बाल बिगड़ जाएंगे, सिचुएशन समझ सकते हो आप। तो चलते हैं वहाँ पे और वहाँ पे जाके मिलता हूँ, क्योंकि अंधेरा होने वाला है। तो गाइज ऊपर से देख सकते हो ट्रैक का पूरा व्यू, लेकिन सुबह दिखाऊंगा मैं आपको क्लियर कट, अभी आपको दिखेगा नहीं। तो अभी देख सकते हो ये है ट्रैक, आपको सुबह दिखाऊंगा पूरा डायरेक्ट, अभी आपको साफ साफ नहीं दिखेगा। तो अभी थोड़ा सा जाएंगे हम कपड़े वगैरह लेने के लिए, अगर पसंद आया कुछ तो। गाइस ये है सामान लेडीज का, हम ऊपर जाएंगे, ऊपर मिलेगा हमें अपना सामान, तो ऊपर चलते हैं। तो पैदल यात्रा कर करके थक गए हम, अब जाएंगे ऊपर सीधा लिफ्ट से, क्योंकि आए हैं तो फायदा तो उठाना चाहिए, अब दी है सुविधा तो फायदा उठाते हैं। यस ग्राउंड फ्लोर, जाएंगे पहले फ्लोर पे। और इसी के साथ एक्सीलेटर दे दिया है गाड़ी ने, ऊपर जा रहे हैं हम धीरे धीरे, क्योंकि अब पहुंचने वाले थे पीछे। यस पहुंच गए। ये भी काफी सही, काफी भारी भरकम, कन्फ्यूजन कि कौन सा लें, वस्त्र अस्त्र, तो देखेंगे कुछ ना कुछ तो लेना ही लेना है अगर आए हैं अभी। और ये देखिए 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। या तो ये अच्छा लग रहा है टायर वाला, इस पे बैठ के भी जा सकते हैं कुछ भी। गाइस बहुत भारी है, तो अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो सुबह शाम आओ यहाँ पे, लगाओ 10-10 के सेट और चले जाओ।
तो ऐसा करेंगे, एक बड़ा वाला ही स्टॉल लेंगे, फिर पूरा सिलसिला ही ख़त्म लाने का। बहुत बड़ा पैकेट है गाइस। कभी भी आपको परफ्यूम वगैरह लगाना हो और आपके पास कई बार हो जाता है, जैसे ख़त्म हो गया हो या नहीं हो या अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, सीधा ऐसे आना मॉल वगैरह में और जो पसंद लगे, अच्छा लगे वो लेना। अलग अलग फ्लेवर यूज़ करना ट्राई, क्योंकि एक मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए गांधी चौक का व्यू रात का, सुनसान पड़ा है सब कुछ। हमने सोचा हमीरपुर का मेन बाजार है तो खुला होगा, लेकिन सुनसान, सब कुछ बंद। ओप्पो वीवो बस ओनली, और देख सकते हो पूरी मार्केट बंद है। और हम झूमते फिरते जा रहे हैं मजे से। तो अभी रात के 10 बजे फिर से खाएंगे कुछ, आएगा खाने के लिए। ये है ऑर्डर। सो गुड मॉर्निंग गाइस, सुप्रभात। और रात को मैं आपको ट्रैक नहीं दिखा पाया था पूरा, तो अभी हम सुबह कष्ट करके बहुत ही माइंड को एक जगह पे एकत्रित करके उठे हैं, तो अभी जाएंगे हम ट्रैक के लिए और वहाँ पे मैं आपको पूरा ट्रैक दिखाऊंगा, क्योंकि सुबह भीड़ भी होती है काफ़ी ज़्यादा। तो चलते हैं और देखते हैं, वहाँ पे जाके पहुँच के बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि टाइम अभी होने वाला है, फिर फायदा नहीं है अगर लेट पहुँचे। तो चलते हैं और देखते हैं। तो गाइस ये देख सकते हो, ये है अनु कॉलेज। तो यहाँ से जाएंगे हम सीधा ट्रैक को, और सामने देख सकते हो साइड में पूरा व्यू दिखा देना। क्रिस्टियन कॉलेज के बीच में है हम, तो यहाँ से बीचों बीच ही जाएंगे सीधा डायरेक्ट नीचे, क्योंकि शॉर्टकट रास्ता है। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो चलते हैं। तो भीड़ भड़ाका देख सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा रश, लेकिन आज बारिश है तो फिर भी कम रश है। तो नीचे जाएंगे इधर से घूम घूम के, और बारिश भी लगी हुई है हल्की हल्की सी। इंडोर स्टेडियम। माथा टेकना जरूरी है। जय हो। तो गाइस रेडी स्टडी इंडिया को। गाइस कम से कम 300-400 बंदे हैं अभी सुबह सुबह, और मैंने दे दिया है गेड़ा वीडियो बनाने के लिए। और ट्रैक की कंडीशन देखते हो काफ़ी बेहतरीन, अगर दिख रहा होगा आपको, और आसपास का इस तरह से है आज मौसम, और काफ़ी नरम नरम सा महसूस हो रहा है इसको दबा के। We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic. तो एक ट्रैक तो अंदर देख लिया होगा आप, ये अपना देसी ट्रैक है बाहर, सेकंड थर्ड फोर्थ, और इसी का 100 मीटर का स्प्रिंट है। गाइस अब थोड़ा सा हम बास्केटबॉल खेलेंगे सुबह सुबह, चलते हैं ग्राउंड के अंदर। So enigmatic and charismatic, gotta live static, gotta get at it, never pragmatic, cause we live tragic, I can't live average, to be alive's magic, turn it up in the back cause I'm grabbing, everything I want get in my way and I'm stabbing, I'll be moving crowds till I'm 6 feet napping, they need another fix hooked on like an addict, I got my eyes on the prize and it's changing lives, I wanna live till I die, make a difference right, I wanna give those in need a reason to fight, I wanna live every day like it's my last night. I wanna change how we play the game. We arrange all the pieces till they say that dance doing what they say. I wanna stand up and start a revolution.
गाइस काफ़ी लंबे टाइम के बाद खेला बास्केटबॉल, लेकिन अभी भी वो जान है मेरे को महसूस हुआ जब मैंने दो शॉट्स लिए। इतनी खुशी। तो गाइस अभी सुबह 7 बजे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा जो आजकल ट्रेंडिंग में चली है हमीरपुर में। तो देख सकते हो वन विहार, ये नहीं मेरे पीछे आओ, ये देख सकते हो। फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए, दूसरे दिन थोड़ा टाइम लग गया हमें, लेकिन देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है पूरा। देख सकते हो आप, दिख रहा हो आपको, आई लव हमीरपुर। तो इसके कुछ शॉट्स लेते हैं, वो आपको दिखाते हैं। देख सकते हो इसके साथ अभी तक लोगों ने पता नहीं कितने फोटो डाल दिए, तो हम वीडियो डालेंगे। ओ ताला, लेकिन बीच में गैप है जाने के लिए, क्या फायदा ताले का। तो ये है गाइस चिल्ड्रन पार्क, सुबह आ गए इधर। तो ये भी दिखाएंगे पूरा, चलते हैं अंदर, टाइम बहुत लगेगा अभी। और ये देख सकते हो यार, वाह यार, गंदा है लेकिन अच्छा है। यहाँ पे आपको पता होगा दिन में काफ़ी ज़्यादा रश रहता है, क्योंकि अब क्या बताया जाए, जिनको पता होगा वो समझ सकते हैं क्यों रहता है काफ़ी ज़्यादा रश जोड़ों में। तो गाइस इस पे अगर आपने झूलना होगा तो आपको एक बंदे की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि देख सकते हैं नीचे पैर पहुँच ही नहीं रहे हैं, काफ़ी डिस्टेंस है। तो इस तरह से मैं धक्का दे रहा हूँ साइड साइड से, तब जाके बनाया है मैंने कुछ जुगाड़ है इसको हिलाने का। इधर से लगा दूंगा मैं जंप डायरेक्ट, देखना बहुत लंबा काफी कर दो स्टॉप टाइम, चलते हैं। लास्ट पॉइंट तक लेके जाऊंगा, ताकि आप ऐसा ना बोलो कि लास्ट पॉइंट नहीं दिखाया है। तो कुछ नहीं वहाँ पे, लेकिन शांति है, तो चलते हैं वहाँ पे, शांति से मिलते हैं। ये है पूरा एंड पॉइंट, और यहाँ पे देख सकते हैं योगा वगैरह करने के लिए बनाया गया है ये प्लेस, ताकि शांति से योगा कर सकें वी रेव। तो यहाँ पे आए हैं तो योगा भी कर लेते हैं, क्योंकि डिसरिस्पेक्ट क्यों करने किसी जगह की जो जिसके लिए बनी है। तो योगा के 2-3 शॉट देखिए आप। तो आसन हमारे पास नहीं है, लेकिन हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं तो ज़मीन पर ही बैठ जाएंगे। तो करते हैं स्टार्ट। Burning in me, all of the noise turned into choirs of harmony. हमारे घर हैं हमीरपुर में, लेकिन फिर भी हम हमीरपुर में घूमने के लिए आए हैं, क्योंकि इसका राज है
हमारे घर मेन हमीरपुर में नहीं है, हमीरपुर से काफ़ी दूर है, तो जब भी हम हमीरपुर आते हैं तो दो बार सोचना पड़ता है कि जाएं या ना जाएं, तो इतना दूर है, तो इसलिए हम आज आए हैं, ये ही बताना था मैंने आपको। तो हथियार हमारे पास आ गया है, अब रूम के बाहर यहाँ पे लोकेशन देख सकते हो पूरी, तो यहाँ पे फोटोज क्लिक करवाएंगे जो आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो नीचे इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, तो ये यूजर नेम होगा, इसको सर्च मार के मेरे को फॉलो कर लेना, बाकी काम स्टार्ट करते हैं फोटोज क्लिक करवाने।